तेजी से उभरते चीन को लेकर भारत और अमेरिका की चिंताएं समान हैं, इसलिए अमेरिका के लिए भारत की अहमियत बढ़ गई है। इसके साथ ही आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के साथ ही रहे पाकिस्तान अब अमेरिका की नजरों में गिर गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपात्र माने जाने वाले दैनिक ग्लोबल टाइम्स ने अपनी एक संपादकीय टिप्पणी में कहा है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति पिछले कुछ सालों में काफी बदल चुकी है। जहां एक ओर अमेरिका ने पाकिस्तान को 30 करोड़ डॉलर की मदद रद्द करने का ऐलान किया है, वहीं अपने पूर्व राजनयिक जालमय खलीलजाद को अफगानिस्तान में अपना राजदूत बनाकर भेजने का फैसला किया है, जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की नीति के निंदक रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत के साथ लंबे वक्त से विचाराधीन कम्युनिस्ट समझौता काम कौशल संपन्न किया है, जिससे भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और सामरिक सहयोग और गहरा होगा। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अमेरिका ने अब तक ऐसा समझौता कुछ खास चुनिंदा देशों के साथ ही संपन्न किया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन ने अपनी राष्ट्रीय समर और रक्षा नीति में संकेत दिया है कि उसका मुख्य ध्यान अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से हटकर प्रतिद्वंदी ताकतों से रिश्तों का प्रबंध करने में रहेगा। इसलिए जब अमेरिका की दक्षिण एशिया नीति का मुद्दा आता है तो हम देखते हैं कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को नया स्वरूप दिया है। अमेरिका की सामरिक नीति में बदलाव से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में हम तनाव देख रहे हैं। पिछले साल तो राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को आतंकवाद की सुरक्षित शरण स्थली की संज्ञा दी थी और 1.1 अरब डॉलर से अधिक की सुरक्षा मदद रोक दी। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।